देवरिया जिले में सलेमपुर कोतवाली के एक सिपाही ने पति पत्नी के विवाद में महिला परिवार वालों को जमकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस द्वारा पिटाई से घायल महिला के मायके वालों ने रोड जाम कर हंगामा खड़ा कर दिया। आपको बता दें कि पति पत्नी से आपसी विवाद को लेकर महिला थाने पहुंची थी, जहां पर उसके साथ गलत व्यवहार किया गया और मारपीट भी की गई। आज प्रातः थाना सलेमपुर में एक व्यक्ति ने आकर ये कंप्लेंट किया कि उसकी पत्नी के विवाद में उसकी पत्नी ने उसे मारा है और उसे चोट आई है। कुछ देर बाद थाने पर उसकी पत्नी भी अपने मायके वालों के साथ आ गई और यह तथ्य संज्ञान में आया कि थाना परिसर में ही जो महिला है, उसका सुषमा नाम है, उसके परिवारीजन माता पिता भाई आदि ने उसके पति पर हमला बोल दिया, जिसको बचाने के लिए पुलिस आगे आई। इस बात से यह महिला क्षुब्ध हो गई और क्षुब्ध होकर के थाने के सामने सड़क पर बैठ गई और पूरे परिवार के साथ इसने वहां जाम लगाने का प्रयास किया। पुलिस ने और एसडीएम ने, क्षेत्राधिकारी ने जाकर इसको समझा करके इसको वहां से अलग कराया। इस प्रकरण की जांच मैंने क्षेत्राधिकारी सलेमपुर को दिया। सलेमपुर के क्षेत्राधिकारी का एक ब्रीफ जांच आख्या अंतरिम रिपोर्ट आ गई है, जो इस बात की पुष्टि करती है कि इस महिला का इसके पति से आज विवाद था। पति कई दिनों बाद आज घर आया था और घर में ही दोनों की मारपीट हुई थी। महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे मारा, पति का आरोप है कि उसकी महिला ने उसे मारा। चूंकि मौके पर वहां कोई प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन चटहिल अवस्था में उसका पति थाने पर आया। इसके बाद महिला भी चटहिल अवस्था में और उसके परिवारीजन जो मेहरवान सिवान के रहने वाले हैं, वो कई लोग थाने में आकर के वहां हंगामा करने लगे, जिस पर पुलिस वालों ने बचाव किया। और इस बचाव में छीना झपटी में हो सकता है कि महिला को या किसी उसके भाई को कहीं चोट भी आई हो। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी से मैंने जांच कर विस्तृत आख्या देने के लिए कहा है। क्षेत्राधिकारी द्वारा इन लोगों को मेडिकल के लिए सलेमपुर में भेजा गया था, किंतु आवेदिका सुषमा वहां से चलकर अपने परिवार के साथ आकर मुख्यालय पर मुझसे मिली। मैंने यहाँ उसका मुख्यालय पर मेडिकल, उसका और उसके भाई और उसकी माँ का मेडिकल करवा दिया है। मेडिकल कराने के बाद मैंने उनकी ये मेडिकल रिपोर्ट और जो प्रार्थना पत्र है उसे थाने पर भेजा जा रहा है और इसमें नियमानुसार विधिक कार्रवाई कराई जा रही है।